is the quality of the milk, because whatever milk produce, it should be consumable to the humans without causing any harmful effects. In order to determine whether this milk is consumable for humans or not, we go for several tests. उसमें से सबसे पहले जो टेस्ट हम करते हैं उनको हम प्लेटफॉर्म टेस्टर्स बोलते हैं. प्लेटफॉर्म यूजुअली जब हम मिल्क लाते हैं वी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ प्रोडक्शन टू द एरिया ऑफ प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग जो प्लांट होता है वहाँ पे थोड़ा सा एक डॉक सा बना होता है प्लेटफॉर्म, इसलिए द नेम कम्स फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म टेस्टर्स. ये बेसिक टेस्ट ऐसे है विच डिटरमाइन वेदर दिस मिल्क इज गुड फॉर प्रोसेसिंग और नॉट. उसमें से डिफरेंट टेस्टर्स है. एक सबसे पहला टेस्ट रहेगा अपीयरेंस. हमने मिल्क लाया, हम बाहर से उस पर देखते हैं कि वेदर इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी और नॉट. अगर उसमें डर्ट या डस्ट या कोई एक्स्ट्रानियस मैटर गया होगा तो उसकी अपीयरेंस चेंज होगी, या कोई ऐसा कंपाउंड गया जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो गया होगा, दैट वी डिटरमाइन बाई अपीयरेंस. देन अदर टेस्ट इज सेडिमेंटेशन टेस्ट. हम 100 ml ऑफ मिल्क उसमें से लेंगे, सैंपल जितना भी हमारे पास होगा उसको एक कंटेनर में रखते हैं ट्रांस गिलास जिससे हम देख सकते हैं. देन वी कीप इट फॉर सम टाइम. अगर इसमें कुछ सेडिमेंटेबल डर्ट या हैवी कुछ पार्टिकल्स होंगे दे विल सेटल आउट. देन वी कंपेयर दैट लोअर पार्ट विद द लोअर 10 ml विद अपर 90 ml. 100 ml लिया हमने, लोअर 10 ml उसमें जो डिफरेंस होगी उसमें कितना सेडिमेंट है दैट विल डिटरमाइन द सेडिमेंटेशन. अदर टेस्ट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर ऑफ मिल्क इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आप जो JKMPSL वाले आए थे उन्होंने परसों हमें बताया कि वी यूज बल्क मिल्क चिलर्स BMC जो उन्होंने सेटअप किया. हम BMC सेटअप क्यों करते हैं, उसका मेन पर्पज है कि जो टेम्परेचर ऑफ मिल्क है इट इज इम्पॉर्टेंट. मिल्क इज हाईली न्यूट्रिशियस, ये आपने पढ़ा आप तक लेक्चर्स में कि इसमें चाहे इसको कम्प्लीट फूड भी कहा जाता है, इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स चाहे वो प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, वाइटामिन्स हो, मिनरल्स हो, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज. और इस न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ ये भी इसमें प्रॉब्लम है कि इट इज हाईली ससेप्टेबल टू स्पाइलेज. जो बैक्टीरिया है उनके लिए भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वो अच्छी खासी ग्रोथ करते हैं मिल्क में, इसलिए मिल्क की कॉल जाएगा. सो वी कॉन्ट डू प्रेसिंग, दैट्स वाई टेम्परेचर इज इम्पॉर्टेंट. द टेम्परेचर शुड बी बिलो 10 degrees centigrade और यूजली बट हम रखते हैं बिलो 5 degrees centigrade. बिकॉज देखा गया है इफ वी कीप दिस टेम्परेचर अप टू 10 degrees centigrade बैक्टीरियल ग्रोथ होती है बट दैट इज वेरी स्लो. अगर एक बैक्टीरिया दैट गेट्स कन्वर्टेड डिवाइडेड इनटू वन और सम बैक्टीरिया बड़ी खासियत के अब्सॉर्ब हो देन कलर हो. वो मैंने भी कहा कि वी हैड टू लुक इनटू द मिल्क सैंपल जो भी हमारे पास आया इसका कलर क्या है. हमें पता है जो काउ मिल्क है इट इज अ बिट ब्राउन इन कलर, ब्राउनिश. इसमें कैरोटीन बीटा ज्यादा होता है. जो बफेलो मिल्क होता है वो वाइट शो होता है. जो बीटा कैरोटीन होता है उसमें दैट गेट्स कन्वर्टेड टू विटामिन ए उसमें कम होता है, दैट्स व्हाई इट इज. अब अगर कोई एडल्ट्रेंट इसमें चला गया या कोई स्पॉइलेज मटीरियल चला गया इसमें उसे कलर चेंज होगा. देन कंसिस्टेंसी, मिल्क कैसा है, वेदर इट इज जो नॉर्मल मिल्क की अपनी कंसिस्टेंसी होती है या थिक कंसिस्टेंसी है या स्लाइमी. अगर मोल्ड्स अगर इसमें ग्रो करेंगे तो उसका इसी कंसिस्टेंसी स्लाइमी होगी. या अगर इसमें ये काउंट बढ़ गया हो, बैक्टीरियल काउंट इसकी वजह से लैक्टिक एसिड बढ़ गया हो, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रूपी हो जाती है. जो केजीन है दे जो हमने पिछली बार पढ़ा इन कॉगुलेशन, एसिड से भी कॉगुलेशन हो जाती है जिसकी वजह से हम वाटर डालते हैं मिल्क में उसकी जो कंसिस्टेंसी है या स्पेसिफिक ग्रेविटी वो कम हो जाती है. सो दैट कैन बी डिटरमाइन बाय लैक्टोमीटर. लेकिन जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है या लैक्टोमीटर रीडिंग है इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर वाटर डाइल्यूशन. इससे हम बता सकते हैं कि इसमें पानी डाला गया है बट वी कॉन्ट बी श्योर. बिकॉज अगर हम स्किमिंग करेंगे ना, अगर हम फैट निकालेंगे जो मिल्क में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, फैट, प्रोटीन, लैक्टोज, हर किसी की अपनी अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी है. फॉर एग्जाम्पल फैट लेंगे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9 लोवेस्ट. मिनरल्स की है 4 point something, लैक्टोज की है 1.6, प्रोटीन्स की है 1 point something. तो इनकी मिला के फिर मिल्क की 1.023 स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है. अगर हमने मिल्क से फैट निकाला, फैट की सबसे कम है, उससे क्या होगा, उससे स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी. ठीक है, या अगर किसी ने फैट डाल दिया मिल्क में फिर हम लैक्टोमीटर जब देखेंगे लैक्टोमीटर में कम रीडिंग दिखाएगा, बट दैट इज नॉट ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर, दैट्स एडिशन ऑफ फैट. एडिशन ऑफ फैट आल्सो डिक्रीजेस. या अगर हम फिर उसमें कोई सिग्निफिकेंट पाउडर या फ्लोर डाल दिया
उससे वो दिखाएगा कि इसकी लैक्टोमीटर रीडिंग ज्यादा है, बट दैट्स नॉट द एग्जैक्ट. सो लैक्टोमीटर रीडिंग इज नॉट द एग्जैक्ट. वो जो वाटर के लिए उसके लिए हम यूज करते हैं उसको कहते हैं हार्ट रेट क्रया. उसको आपने दो टर्म्स पढ़ी होगी इन फिजिक्स केमिस्ट्री में, कि एक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज करते हैं. मिल्क की अपनी एक कंस्टिट्यूएंट है और इसके डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स है. अगर हम उसमें बाहर से कुछ कंस्टिट्यूएंट डालेंगे या पानी डालेंगे, उससे क्या होगा? जब सोल्यूट्स काम होंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कॉम्प्रोमाइज करते हैं सो दैट मुनाफा ज्यादा हो. जैसे हमने वाटर ऐड किया, वाटर का पर्पस है वॉल्यूम बढ़ाना है. एक लीटर में लिखा है उसको डेढ़ लीटर बना दिया, वो हो गया अलर्टेंट. या पर हमें ये भी पता है मैनुएट वाटर उसकी कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी और वो इलेक्ट्रोमीटर में डिटेक्ट हो जाता है. तो फिर कुछ लोग क्या करते हैं, दे ऐड थिकनिंग एजेंट्स लाइक स्क्रूज, फ्लोर, स्टार्च, वो ऐड कर देते हैं ताकि फिर से वो कंसिस्टेंसी वापस आ जाए, इलेक्ट्रोमीटर में वो डिटेक्ट ना हो जाए. दीज आर कॉल्ड अलर्टेंट्स. और अलर्टेंट्स का पर्पस है टू गेट मोर प्रॉफिट. खराब हो अगर टेम्परेचर हाई है, फॉर एग्जाम्पल समर टाइम है, ऑलरेडी एरोमेटिक टेम्परेचर ज़्यादा होता तो वो फट जाएगा. यहाँ पे इस टाइप पे नहीं होगा, लेकिन एसिडिटी अंदर रहती है. जब उसको प्रोसेस करेंगे किसी प्लांट में लिया, उनको पॉस्चराइजेशन करनी है, होमोजेशन करनी है, देन में सॉल्ट टू पॉस्चराइजेशन वो खराब हो जाएगा. ठीक है, अल्टरेंट्स में हम आज करेंगे मेन पर्पज है टू न्यूट्रलाइज एसिड डेवलपमेंट, यानी वो बेस होगी, हमें अपोजिट दे रहा है एसिड के. That mostly जो यूज किया जाता है उसका एक ही मिल एग्जाम्पल है. इसमें मैंने deliberately स्क्रोज ऐड किया, there is subjective to resource not test. इसमें resource not test है, इसमें resource not ऐड करते हैं, we mix it and also HCl ऐड करते हैं. If this स्क्रोज is present in it, इसका color brick red आ जाता है. ये same मिल्क है, इसमें स्क्रोज मैंने ऐड किया, इसका color क्या है और इसका color just normal मिल्क है. ठीक है, इसमें एक्चुअली कलर चेंज हो जाता है विद इसके लिए आयोडीन टेस्ट यूज होता है. यह नॉर्मल में लिखा सी द डिफरेंस. दोनों में डाला, जो नॉर्मल मिल्क है उसका कलर माइनर चेंज हुआ, लेकिन जो अडल्टेड मिल्क है जिसमें ऑलरेडी स्टार्च अवेलेबल है इसका कलर डिफरेंट. इसमें मैंने यूरिया डाला था, ये नॉर्मल सैंपल है, आप खुद देख सकते हैं देयर इज डिफरेंस इन द कलर. ये येलोइश कलर अगर आ जाएगा तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ यूरिया. ठीक, जो ये नॉर्मल मिल्क है इसमें जस्ट माइनर चेंज हुई है, इसमें जस्ट फ्रैंक येलो कलर है. This is normal sample and this is adulterated sample. आप टेम्पल आपको दिखा था, इसमें आप देख सकते हो देर इज फ्रैंक डिफरेंस. ये ब्राउनिश कलर इसमें ज़्यादा आ रहा है, इसमें जस्ट माइनर. एंड देन फॉर्मल ये नॉर्मल सैम्पल थोड़ा बिल्कुल वाइटिश है और इसमें पिंकिश. ठीक है, कंडीशन में रखने के लिए. हाँ, देन थर्ड वाज न्यूट्रलाइजर. न्यूट्रलाइजर में इसमें रेडिश टू रेडिश ऑरेंज या पिंकिश इन तीन टाइप के कलर्स आ जाते हैं. ये जो ऑरेंज टाइप है ना, माइन्यूट लाइट ऑरेंज या पिंक का है, लाइट पिंक, इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. अगर ब्राइट पिंक है तो इंडिकेटर्स सोडियम कार्बोनेट. अगर इससे थोड़ा नीचे है ऑरेंज टाइप, इट इंडिकेट्स सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, जो सबसे ब्राइट पिंक होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. इससे ज्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट एंड माइन्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड.